तो दिखाने का कोई वो नहीं है। आज किसान नाराज है, सरकार को ये दिखाना है। और हमारा ये प्रोग्राम 12 बजे जाम, ये धनौरा में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जाम है। संयुक्त मोर्चे ने दिल्ली में ऐलान किया है कि आज पूरे देश में चक्का जाम रहेगा 12 बजे से 3 बजे तक। तो हम तो अपने अग्रिम अपने पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए ये जाम लगाया है और जो है सबको जानकारी है क्यों जाम लगा रहा है। हमारे योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो सब काले कानून को मान रहे हैं, तीनों MSP की कोई बात नहीं कर रहे। तो योगी जी को ये दिखाने के लिए कि भाई अमरोहा में भी संगठन है और इसका विरोध हो रहा है, इसलिए आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और तब तक हम विरोध करते रहेंगे जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं करने के, MSP की लिखित गारंटी नहीं देने के, किसान की जमीन हड़पने का काम कर लिया। तो अब घर कैसे बैठे हैं? हमें आने वाली पीढ़ी, हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राण देकर ये देश आज़ाद कराया। आज हमें जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें कैसे बकस देगी कि जब आप उस समय सब कुछ थे तो फिर ये काले कानून लागू कैसे हो गए? चाहे इसमें हमें कितना भी बड़ा बलिदान करना पड़े, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होने के, MSP की लिखित गारंटी नहीं होने की, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और आज से पहले भी खूब आए जा रहे हैं अमरोहा के, धनौरा के लोग। कल से और तेज गति दिल्ली की तरफ को हो जाएगी और आंदोलन जब तक ये जारी रहेगा, जब तक MSP लागू नहीं होने की लिखित गारंटी, तीनों काले कानून वापस नहीं होने के। धन्यवाद। अजय टिकैत जी ने जो नाम उत्तराखंड और यूपी में धरने के लिए मना किया, क्या है मामला? वो हमारे अग्रिम है, उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो भाई उनकी अपने बुद्धि विवेक है, वो उनका अपना फैसला हो सकता है।